आपके साथ मैं सुदेश नैन मोर। कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करने वहां सेटल होने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर है। दोनों ही देशों में जाना अब मुश्किल हो गया है। दोनों ही देशों ने वीजा नियमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है जिससे भारतीयों के इन देशों में जाने की राह मुश्किल हो गई है। सबसे पहले कनाडा सरकार ने विदेशी छात्रों को तगड़ा झटका दिया और अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दोनों ही सरकारों के नए फैसलों से विदेशी छात्रों का इन देशों में जाकर पढ़ाई करना और वहां बसना बेहद मुश्किल हो गया है। एक तरफ जहां कनाडा ने जीआईसी फीस 10,000 से बढ़ाकर $20,635 कर दी है, वहीं अब ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टूडेंट वीजा नियमों में सख्ती का आदेश दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया अब माइग्रेंट पॉलिसी सख्त करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और कम कुशल श्रमिकों यानी लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा नियमों को सख्त करेगा जिससे अगले 2 सालों में उसके माइग्रेंट एंट्री में आधी कमी आ सकती है। एक तरफ जहां कनाडा ने जीआईसी फीस 10,000 से बढ़ाकर $20,635 कर दी है, वहीं अब ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टूडेंट वीजा नियमों में सख्ती का आदेश दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया अब माइग्रेंट पॉलिसी सख्त करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और कम कुशल श्रमिकों यानी लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा नियमों को सख्त करेगा जिससे अगले 2 सालों में उसके माइग्रेंट एंट्री में आधी कमी आ सकती है। नई जो नीतियां हैं उनके तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अंग्रेजी परीक्षाओं में अच्छी रेटिंग भी लेनी पड़ेगी। एक छात्र के दूसरे वीजा आवेदन पर पहले से ज्यादा जांच होगी जिस कारण उसके वीजा आने में ज्यादा वक्त लग सकता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का यह फैसला 2022-23 में नेट इमिग्रेशन के रिकॉर्ड 5,10,000 तक पहुंचने की उम्मीद के बाद आया है। ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक और हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। यहाँ बेघरों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ रहना काफी महंगा हो गया है। कोविड के कारण विदेशी छात्रों और मजदूरों के ऑस्ट्रेलिया आने पर सख्ती दिखाई गई थी, उसके 2 साल बाद अचानक से इनकी तादाद बढ़ गई जिससे किराए के दाम आसमान छूने लगे। उधर कनाडा में भी हालात कुछ ठीक नहीं है, महंगाई की मार यहाँ भी कम नहीं है, दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ रहना खाना पीना काफी महंगा हो चुका है। ऐसे में जो छात्र यहाँ आने के लिए वीजा अप्लाई कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, कनाडा सरकार का नया फैसला उनकी जेब पर भारी साबित होगा। कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड दोगुना यानी $20,635 कर दिया है। ऐसे में विद्यार्थियों को भी वहाँ रहने और पढ़ाई के लिए दोगुनी जेब ढीली करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए रहने और पढ़ने की शर्तों को आसान बनाने की बजाय कनाडा सरकार इन्हें और मुश्किल बना रही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड को $10,000 से बढ़ाकर $20,635 करने का सीधा सा मतलब है कि छात्रों को भी वहां रहने और पढ़ाई के लिए दोगुनी जेब ढीली करनी होगी। सरकार का कहना है कि इस राशि से ये साबित हो पाएगा कि विद्यार्थियों के पास कनाडा में रहने और खाने पीने के लिए पढ़ने के लिए पूरा पैसे का इंतजाम है। कनाडा की सरकार के इस फैसले से दुनिया भर के उन विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा जो कनाडा जाकर पढ़ना चाहते हैं। इस बदलाव से भारतीय छात्रों खास करके पंजाब के जो छात्र हैं उन पर बड़ा असर पड़ेगा। कनाडा के लिए छात्र वीजा चाहने वाले वार्षिक आवेदनों के एक बड़े हिस्से का पंजाब से ही प्रतिनिधित्व होता है। साल 2022 में लगभग 2,26,000 भारतीयों ने पढ़ाई के लिए कनाडा का वीजा हासिल किया जिसमें लगभग 1,36,000 पंजाब से थे। इन बदलावों से उन्हें परेशानी हो सकती है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो दूसरे देशों में महंगी पढ़ाई के चलते कनाडा जाकर पढ़ना चाहते हैं। नया फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। इसके बाद ये देखना होगा कि वीजा के लिए अप्लाई करने वालों के पास $20,635 कनाडा के डॉलर हैं या नहीं है, यानी 12 लाख से ऊपर की रकम होगी जबकि इससे पहले $10,000 देने पड़ते थे। नए बदलाव के तहत छात्रों को रहने और पढ़ाई की पूरी लागत के आधे हिस्से का इंतजाम पेपर्स में दिखाना जरूरी होगा। पहले यही रकम छात्रों की पढ़ाई के लेवल के आधार पर होती थी। कुल मिलाकर अब कनाडा जाना पहले से महंगा हो जाएगा। वैसे भी कनाडा में बढ़ती महंगाई और कम अवसरों की वजह से पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले भारत के छात्रों की संख्या में इस साल की दूसरी छमाही में
काफी गिरावट आई है। जुलाई से अक्टूबर की अवधि के लिए भारत से नए स्टडी परमिट के लिए आवेदनों की संख्या पिछले साल के कुल 1,45,881 से घटकर 2023 की इसी समान अवधि में केवल 86,562 रह गई, जो लगभग 40% की गिरावट है। पिछले लंबे वक्त से कनाडा में रह रहे स्टूडेंट्स भी सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पेश आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बता रहे हैं। यहाँ का रहन सहन, किस तरीके से यहाँ पर लागत बढ़ गई है और अब यहाँ काम ढूंढना भी आसान नहीं रहा है। जॉब के अवसर यहाँ पर कम हो गए हैं। तो अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा दोनों ही देश ऐसे हैं जहां भारतीयों के लिए अब जाना आसान नहीं होगा। जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं नए साल से, उससे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही जगहों पर भारतीय छात्रों का जाना काफी मुश्किल होगा और काफी महंगा भी साबित होने वाला है।